BCAA. What is this? BCAA. क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? किस तरह का सप्लीमेंट है? कब यूज करें? किसे यूज करना है, किसे नहीं? चलिए आगे देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज ड्रीम फिट 2020. वेलकम बैक। As I promised कि मैं BCAA का कंप्लीट रिव्यू लेकर के आऊंगी एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट का रिव्यू किया है बट BCAA कंज्यूम तो बहुत किया लेकिन रिव्यू कभी नहीं हुआ है, तो सोचा वाई नॉट, और BCAA का मुझे रिव्यू करना था। और इस रिव्यू को करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज डेली यूज करना होता है, तो लगता है कि अगर इसके बारे में आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो क्यों ना हम दूसरों के साथ शेयर करें। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्या होता है BCAA, व्हाट इज BCAA, और ये है फास्ट एंड आप ब्रांड का BCAA. BCAA इज अ ब्रांच चेन अमीनो एसिड। आप लोग को पता ही होगा अमीनो एसिड कितना जरूरी है बॉडी के लिए। बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिससे हम ये अमीनो एसिड हमें इजीली मिल जाता है, तो व्हाई, क्यों जरूरी है BCAA किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, फिटनेस के लिए और किसी भी एथलीट के लिए? ओके, तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं कि फास्ट एंड अप ब्रांड का BCAA क्या है और ये क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज BCAA. BCAA इज अ ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ओके, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आर रिफर्ड थ्री मेजर अमीनो एसिड। थ्री मेजर अमीनो एसिड से ये बना हुआ है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वलीन। व्हाई इज थ्री, मतलब ये क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, मीन्स ये तीन ऐसे अमीनो एसिड हैं आपकी बॉडी जो सिंथेसाइज नहीं करती है। इसके लिए हमको आउटसोर्स यूज करना पड़ता है, हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, तो इट्स इजीली अवेलेबल इन BCAA. ओके, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। चलिए आगे देखते हैं, BCAA प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी स्पोर्ट्स, इन एनी फिटनेस, इन एनी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। ओके, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इसकी BCAA की, कि ये स्टोर होता है डायरेक्टली हमारे स्केलेटल मसल में। ओके, लीवर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मोस्टली क्या होता है, जब भी हम कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, अगर हमारी बॉडी इजिली डाइजेस्ट करती है, हमारे मसल इजिली एब्जॉर्ब करते हैं, वो सफर होकर के आते हैं लीवर से और वो लीवर में स्टोर होते हैं, लीवर के थ्रू स्टोर किए जाते हैं हमारी बॉडी में। बट BCAA का एब्जॉर्प्शन और इसका प्रोसेस इतना अच्छा है कि ये डायरेक्ट हमारे स्केलेटल मसल वहां पर स्टोर होते हैं एंड इट हैज बोथ प्रॉपर्टीज, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। नाउ व्हाट इज एनाबॉलिक, ये किस तरह से एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रॉपर्टीज हमारे मसल को हेल्प करते हैं। एनाबॉलिक प्रॉपर्टी मीन्स इट्स इजिली, ये हमको हेल्प करते हैं मसल बिल्डिंग में। एनाबॉलिक जो BCAA के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक हमको हेल्प करते हैं मसल बिल्डिंग में और कैटाबॉलिक हमको हेल्प करते हैं जो हमारी मसल फटीग होती है उसको रिकवरी में, उसको प्रिवेंट करने में। सो दैट्स बोथ प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल इन दिस BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड। बेनिफिट्स भी हम इसके देखेंगे और डेफिनेटली रिव्यू है तो मैं कंप्लीट रिव्यू करूंगी इसके रेट के बारे में, व्हाट इज द MRP, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, किस तरीके से लेना है, कितनी सर्विंग है। वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इज एब्सोल्युटली फ्री, सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन कि आपको टाइम टू टाइम आने वाले नए वीडियोस की अपडेट मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं हम। यस, ये तो मैंने बता दिया, एक शॉर्ट इंट्रो हो गया हमारा BCAA, व्हाट इज BCAA इज अ ब्रांच चेन अमीनो एसिड। This is an intra workout.
इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट है ये, ड्यूरिंग वर्कआउट हमें इसे कंज्यूम करना होता है। ओके, किस तरह से कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है वो भी हम आगे देखेंगे, बट मोस्टली जो रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके लिए ये प्री वर्कआउट और इंट्रा वर्कआउट दोनों हैं। अगर आप एथलीट हैं और रनर हैं, उनको कंटिन्यूसली एनर्जी की जरूरत होती है, कंटिन्यूसली बूस्ट करना पड़ता है अपना एनर्जी लेवल, तो जो रनर्स हैं उनके लिए ये एज अ इंट्रा वर्कआउट भी है और प्री वर्कआउट भी है। आप कंप्लीट ड्यूरिंग वर्कआउट आपको लेना है और वर्कआउट से पहले भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं इफ यू आर रनर। इफ यू आर डूइंग वर्कआउट, जिम वर्कआउट कर रहे हैं, फिटनेस में हैं, तब आप एज अ इंट्रा वर्कआउट लीजिए, ड्यूरिंग वर्कआउट आपको इसे कंज्यूम करना है, सिप करना है। ओके, चलिए अभी मैंने आपको बताया इस BCAA के अंदर 3 मेजर अमीनो एसिड है। फर्स्ट वन इज ल्यूसीन, सेकेंड वन इज आइसोल्यूसीन एंड थर्ड वन इज वैलाइन। इनका रेशियो है 2:1:1। ओके, इसको जाना ही इस नाम से जाता है, फास्ट एंड अप BCAA। ओके, इट्स इंक्लूड्स 2:1:1। व्हाट इज 2:1:1? इसमें जो 3 मेजर अमीनो एसिड हैं, जिसमें ल्यूसीन जो है उसकी रेशियो 2 दी गई हुई है, आइसोल्यूसीन की 1 और वैलाइन की 1। तीनों का मैंने आपको बताया, तीनों ल्यूसीन जो है वो हमें हेल्प करता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस में, उसको प्रमोट करता है, उसको बिल्ड करता है। सेकंड है आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन आपके जो मसल फटीग होती है मसल के रिकवरी में हेल्प करता है। एंड थर्ड इज वैलाइन, और वैलीन भी कहा जाता है, वो आपको हेल्प करता है बिल्ड और मेंटेन करने में स्ट्रॉन्गर मसल। ओके, आपकी जो मसल स्ट्रॉन्गर है उनको मेंटेन करता है, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए ये 3 मेजर अमीनो एसिड यूज किए जाते हैं, जो आपको कंप्लीटली मिलते हैं BCAA के थ्रू, जो कि आउटसोर्स है, जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, बॉडी के थ्रू आपको नहीं मिलते, आपको आउटसोर्स की हेल्प लेनी होती है। तो अगर आप बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, रेगुलर जिमर हैं, रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये कंज्यूम करना चाहिए इंट्रा वर्कआउट। ओके, नेक्स्ट, व्हाई 2:1:1 रेशियो ऑफ अमीनो एसिड, ओके, ऑफ BCAA का ये रेशियो क्यों ऐसा दिया गया है 2:1:1? 2 रेशियो आपका दिया गया है लिसीन का, 1:1:1 ओके, ल्यूसीन का काम होता है आपके बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है उनको हेल्प करता है, उनको बिल्ड करता है, बट दिस इज नॉट सफिशियंट फॉर योर बॉडी। ओके, दिस इज नॉट सफिशियंट, उसके मेंटेनेंस भी हमको जरूरी है, उसकी रिकवरी भी जरूरी है, इसलिए हमें आइसोल्यूसीन अमीनो एसिड और वैलाइन का भी हेल्प चाहिए होता है, उनकी भी जरूरत पड़ती है। तो ये 3 मेजर अमीनो एसिड कंप्लीट करते हैं BCAA, और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी की मसल को मेंटेन करने में इन 3 अमीनो एसिड की जरूरत हमें पड़ती है, जो कि हमको ईजिली मिल जाता है BCAA से। ओके, नेक्स्ट, यस, आइए न्यूट्रिशन वैल्यू हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज दिस फास्ट एंड अप BCAA। एंड जैसे कि अगर आपने मेरे दूसरे रिव्यूज देखे हैं, दूसरे ब्रांड के भी रिव्यूज देखे होंगे, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है किसी भी सप्लीमेंट की, किसी भी प्रोडक्ट की, वो सप्लीमेंट भी हो सकते हैं, कोई दूसरे भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, कि अगर प्रोडक्ट पे कंप्लीट न्यूट्रिशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर मुझे सिर्फ एक ही जगह मिल जाए, मुझे एक्सप्लोर ना करना पड़े ज्यादा, एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मुझे सब कुछ चाहिए होता है बॉक्स पे या तो पैकेट पे। एंड सीरियसली आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड फास्ट एंड अप BCAA के इस प्रोडक्ट से, BCAA से, कि इसमें सब कुछ मेंशन है। मींस दिस इज इसका, मैं आपको बताती हूं, यस, नेट वेट इस बॉक्स का, दिस इज अ बेसिक प्रोडक्ट, दिस इज अ बेसिक
ऑफ BCAA, एडवांस वर्जन भी है इसके, मैंने बेसिक ऑर्डर किया था, मुझे बेसिक ही मिला. ओके, इसका नेट वेट है 315 ग्राम, 315 ग्राम है, बहुत अच्छी पैकेजिंग है. मैंने इसका अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन ऑलरेडी वीडियो मेरी आ चुकी है, आप जाके वहां देख सकते हैं, मैं इसमें कार्ट में लगा दूंगी. ओके, और यस, तो ये क्योंकि ऑलरेडी ओपन हो चुका है, मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, बट रिव्यू नहीं किया था, रिव्यू मुझे करना था. सो इसका नेट वेट है 315 ग्राम, 45 सर्विंग है इसमें, मोर देन फॉर वन मंथ, एक मंथ से ज्यादा आप इजिली कंज्यूम कर सकते हो, 45 सर्विंग है इसमें. यस, एवरीथिंग इज मेंशन हियर कि व्हाई दिस इज एसेंशियल फॉर अस, हमारे लिए क्यों जरूरी है. इट प्रमोट्स लीन मसल एंड रिकवरी, जैसे कि मैंने आपको अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज बताई थी, ये हेल्प करता है, हमें रिड्यूस करता है हमारे मसल फटीक को, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है ड्यूरिंग वर्कआउट, और कंप्लीट 2:1:1 का इसका रेशियो है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, अनविलाइन. ओके, एंड जो मैंने फ्लेवर यूज किया है इसमें बहुत सारे, मैं अपना लैपटॉप भी लेकर के बैठी हूँ कि मैं आपको इजिली इसका कंप्लीट नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं. यस, इसमें दो फ्लेवर आते हैं, ऑरेंज एंड वाटरमेलन. ऑरेंज मैंने बोला था, मुझे ऑरेंज फ्लेवर ही मिला. मैंने दूसरे ब्रांड के BCAA भी यूज किए हैं, तो मैंने ऑरेंज वाटरमेलन दोनों यूज किया, बट कंपैरेटिवली मुझे ऑरेंज ज्यादा अच्छा लगा. स्ट्रॉन्ग टेस्ट है इसका, 45 सर्विंग आपको इसमें मिलती है. 1050 इज MRP, इसका MRP 1050 है. एंड फास्ट एंड ऑफ ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है कि इसमें आए दिन ऑफर्स निकलते ही रहते हैं. आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो टुडे इज अ लास्ट डे फॉर बाय वन गेट वन. मुझे इस वीडियो को पब्लिश करने में शायद 1-2 दिन लग जाए, तब तक ये ऑफर खत्म हो जाएगा. ओके, बट फास्ट एंड आप पे हमेशा आप जाकर के उनके वेबसाइट पे चेक करिए विद माय कूपन कोड. मेरा एक कूपन कोड है फास्ट एंड अप का, जो मेरे हर रिव्यू में, अगर फास्ट एंड अप ब्रांड में यूज कर रही हूँ तो उसमें आपको कूपन कोड मिल जाएगा. इस वीडियो में भी मैं कूपन कोड लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको कूपन कोड मिल जाएगा. उस कूपन कोड के साथ अगर आप शॉपिंग करते हैं तो जो भी ऑफर अवेलेबल रहेगा उस समय वेबसाइट पे फास्ट एंड अप के, उसमें भी आपको 10-5% आपको डिपेंड्स, अगर ऑफर बाय वन गेट वन का रहता है तब आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा मेरा कूपन कोड यूज करने से, और अगर उसमें नॉर्मली कोई ऑफर चल रहा है तब आप, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करके परचेसिंग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. तो बहुत अच्छा ऑफर रहता है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके. इसकी अच्छी बात ये रहती है कि डाइजेशन का कोई इशू नहीं रहता है, स्टमक अपसेट नहीं होता. कुछ लोगों को ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम रहते हैं, तो फास्ट एंड अप के जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज किए अभी तक मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है. दिस इज वेरी स्टमक गट फ्रेंडली बोल सकते हो आप. एब्जॉर्प्शन ईजी होता है, ईजिली डाइजेस्ट होता है. वाई? बिकॉज इट इज हैविंग अल्ट्रा ग्रेनुएशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, इसके अंदर जो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की है जो हमको इजिली हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है, हमारे मसल इजिली एब्जॉर्व करते हैं और इजिली डाइजेस्ट करते हैं. एंड यस, इट्स अ मेंशन हियर, इट्स अ रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड सुपीरियर टेस्ट. डेफिनेटली मैं यूज कर रही हूँ, मोर देन हाफ बॉक्स खत्म हो चुका है, एंड इट्स वेरी टेस्टी, इट्स वेरी टैंगी ऑरेंज. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यस, एमआरपी मैंने बताया 1050, 1050 रुपीज का एमआरपी है. 45 सर्विंग है इसमें आपको मिलेगा. एंड यस, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं. इसमें काफी छोटा लिखा हुआ है, मैं आपको लैपटॉप से इजिली, यस, न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ओके, चलिए. वन स्कूप, इसमें ऑलरेडी स्कूप है, आई शो यू, क्यूट सा स्कूप है इसका. ठीक है, ये स्कूप, वन स्कूप हमारी सर्विंग है. वन स्कूप में 7 ग्राम्स आते हैं, और इस 7 ग्राम्स में हमको 5 ग्राम BCAA मिलता है 2:1:1 रेशियो में. ल्यूसीन, 3 मेजर अमीनो एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड विलाइन.
इनका रेशियो मिलता है, तो 7 ग्राम में 5 ग्राम BCAA मिलता है हमको। ओके, एनर्जी की बात की जाए तो इसमें 207K कैलोरी एनर्जी है पर सर्विंग में, 24.49K कैलोरी। इसके पहले जो 207K कैलोरी बताया वो 100 ग्राम्स में है। ओके, एनर्जी अगर पर सर्विंग में देखा जाए 24.49K कैलोरी है। फैट ना के बराबर है 0.05 ग्राम। प्रोटीन जो हम हमेशा देखते हैं बिकॉज इसमें 3 मेजर अमीनो एसिड्स हैं, तो इसमें प्रोटीन जो हमको पर सर्विंग में मिलेगी वो है 5.81 ग्राम, विच इज वेरी गुड, 5.81 ग्राम। कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो है 0.12 ग्राम्स। ओके, एंड जीरो शुगर, देयर इज नो शुगर। इंग्रेडिएंट्स इसमें BCAA, दिस इज ओनली वन इंग्रेडिएंट, BCAA कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर अमीनो एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वैलाइन, जो कि कंप्लीट एक सर्विंग में आपको 5 ग्राम्स मिलती है। ओके, यस, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब क्योंकि 3 मेजर इसमें अमीनो एसिड हैं जिनका मैंने आपको बताया, ल्यूसीन हमको हेल्प करता है, हम प्रमोट करता है प्रोटीन, मसल प्रोटीन सिंथेसिस में इंप्रूव करता है, एथलीट परफॉर्मेंस जो आपकी होती है फिटनेस वर्कआउट से रिलेटेड, उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, एनहांस करता है। आइसोल्यूसीन जो है वो प्रमोट करता है मसल रिकवरी और रिड्यूस करता है आपके मसल फटीग को। एंड वैलीन हेल्प्स बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो कि बहुत जरूरत है। तो ये तीनों ही मेजर अमीनो एसिड जरूरी है हमारी बॉडी के लिए ड्यूरिंग वर्कआउट। ओके, आपको हैवी लिफ्टिंग करनी है, BCAA इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप इन अ माइंड कि BCAA अगर अभी तक आपने नहीं शुरू किया है और आपको, आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, रेगुलर वर्कआउट करते हो, तो आपको बहुत जरूरी है मसल, अदरवाइज मसल लॉस होगा और जो आपका गोल है, हो सकता है किसी आप पूरा करो बट टेकिंग टाइम। ओके, तो जो जरूरी सप्लीमेंट होते हैं, मैं बहुत ज्यादा सप्लीमेंट प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं वही रिव्यू करती हूँ प्रोडक्ट जो मैं यूज करती हूँ। मैंने कहा है कि प्रोडक्ट रिव्यू मेरा वही होता है जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको वो यूज करना चाहिए। बहुत सारा खर्चा करते हैं हम, अननेसेसरी खर्चे भी बहुत होते हैं, तो जरूरी है, जान है तो जहान है। और अगर आप इतना जान लगा करके एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो अच्छी चीजें कंज्यूम करो, ठीक है, कि आपका वर्कआउट, बहुत मुश्किल से लोग इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत मुश्किल से लोग मोटिवेट होते हैं। तो अगर आप इस रूट पे आए हो, इस पाथ पे आपने चुना है चलने के लिए, तो उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाइए। छोटी जर्नी नहीं होनी चाहिए, वो लॉन्ग जर्नी होनी चाहिए कि आप हमेशा फिट रहो, आप ओल्ड एज आपका आराम से जाए। ओके, और आपकी मसल आप और स्ट्रॉन्गर बना सको। चलिए आगे देखते हैं, ये हमको एनर्जी हमारा बूस्ट करने में, दीज ऑल आर बेनिफिट्स, एनर्जी बूस्टर है, बूस्ट करता है। अल्ट्रा ग्रैन्यूलेशन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये इजीली एब्जॉर्ब होता है, इजीली डाइजेस्ट होता है। यस, व्हाट एल्स, इट सपोर्ट्स योर मसल एंड्यूरेंस, प्रमोट्स मसल प्रोटीन सिंथेसिस, मैं रिपीट कर दे रही हूं, मैंने कुछ अगर मुझसे कहीं कुछ छूट गया हो तो, help to reduce muscle fatigue, helps in a quick recovery, helps boost energy and strength, help build lean muscle, enhance athlete performance. सबसे अच्छी बात जो है, ये जो भी banned substance होते हैं वो free है, इसमें कोई भी वैसे banned substance इंक्लूड नहीं किया है इन्होंने, फास्टर एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी है, देर इज नो एडेड शुगर, सो इट्स अ कंप्लीटली फॉर योर हेल्थ, इट्स अ वेरी गुड इंट्रा वर्कआउट, तो हम बिना सोचे समझे शायद हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर लगता है कि मैं कुछ और बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, इजिली मिक्स हो जाता है। डेफिनेटली आपको इस वीडियो में मैं हाउ टू यूज, हाउ टू कंज्यूम, हम देखेंगे कि किस तरह से इसको यूज करते हैं। इसकी जो कंजम्पशन है 1 स्कूप,
इन 250 ml ऑफ वाटर, वाटर में ही कंज्यूम मोस्टली। अगर इंट्रा वर्कआउट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी अपनी तरफ से कि आप इसको वाटर में यूज कीजिए। इसका वन स्कूप 250 ml के लिए है। और अगर आप लगता है कि सिर्फ वाटर में नहीं, तो आप अपने स्मूदीज में, आप अपने प्रोटीन में आप इसको ऐड कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स आप किस तरह का वर्कआउट करते हो, आप किस तरह के फिटनेस प्रोग्राम से जुड़े हुए हो, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपकी बॉडी और मसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कीजिए आप। यस, जो सबसे बड़ी बात है, 5.81 ग्राम प्रोटीन है इसमें, और BCAA जो मेन अमीनो एसिड, 3 मेजर अमीनो एसिड से बना हुआ है, जो आपको कंप्लीटली 7 ग्राम ऑफ वन सर्विंग में आपको 5 ग्राम मिलती है। यस, तो ये था ऑलमोस्ट, यस मैंने, मुझे लग रहा है कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया है इस वीडियो में। जो भी इसकी न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन थी, MRP बता दिया मैंने, अपना जो मैंने यूज किया है, दिस इज अ टैंगी ऑरेंज, एक और फ्लेवर है आपको इसमें, वाटरमेलन का फ्लेवर आता है, आप वो भी यूज कर जा सकते हो। नहीं, सिर्फ मेरे बोलने पे मत करो, मुझे ऑरेंज पसंद है, मैंने इसलिए ऑरेंज कर लिया। आप वाटरमेलन भी यूज कर सकते हो, दूसरे ब्रांड का मैंने वाटरमेलन यूज किया है, इट्स गुड बट ऑरेंज इज बेस्ट। ओके, तो अगर आप प्लान कर रहे हो BCAA परचेजिंग के लिए, आप और इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। आप इसके वेबसाइट पे जाइए, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। हो सकता है मुझसे कुछ मिस हुआ हो, मैंने इसे, मैं लैपटॉप भी लेकर के बैठी हूं कि मैं कोई भी चीज मिस ना करूं, छोटी सी छोटी बात कवर करूं। बट आप एक्सप्लोर कीजिए, सिर्फ मेरी बात पे ही नहीं, आपको आंख बंद करके भरोसा करना है। आप, मैंने जो बोला है आप प्लीज चेक कर सकते हैं, इसके वेबसाइट पे जाइए, अमेजन पे भी आपको मिल जाएगा, अमेजोन पे। और डेफिनेटली अगर आप प्लान करते हैं परचेजिंग का, अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है, तो यूज माई कूपन कोड, डेफिनेटली 10% बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कम है, काफी डिफरेंस हो जाता है 10% डिस्काउंट अगर कोई ऑफर में मिल जाए। और फास्ट एंड अप के हमेशा स्पेशल, जब भी ओकेजन्स रहते हैं, अभी होली का हो सकता है कुछ नया ऑफर आता हो, ओके, तो आप उस समय परचेजिंग कर सकते हो। तो अगर बाय वन गेट वन का ऑफर रहता है फास्ट एंड अप की तरफ से, तो आपको मेरा कूपन कोड यूज करके सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर नॉर्मल सीजन चलते रहता है और आप वहां उस समय जाकर के मेरा कूपन कोड यूज करते हो, देन यू विल गेट 10% का धमाकेदार डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट आपको अवेल करना है, वो मिस नहीं करना है, ओके? तो चलिए, जल्दी मिलती हूँ एक नए रिव्यू के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो माय मंत्रा, चुस्त दुरुस्त एंड तंदुरुस्त। बाय बाय।